अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन अनदर व्लॉग। मैं शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग। क्या हाल है मेरे भाइयों का? ठीक है, तबीयत से ठीक है सबकी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगेन फिर से मैं अपने काम के लिए घर से निकल रहा हूँ। अभी चलते हैं काम पे। 10:32 हो रहे हैं अभी, ठीक है जी, और मैं अभी घर से निकला हूँ, ठीक है जी। अभी चलते हैं यहाँ से, एक साथ में ही एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। वहाँ चल के करते हैं जी हम नाश्ता। दोस्त एक आ रहा है, उसके साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद जो है फिर प्रॉपर तरीके से अपना काम स्टार्ट किया जाएगा, रेगुलर जैसे करते हैं। कल मैंने व्लॉग डाल दिया, आप सब ने देखा भी होगा, मसला हो गया था गाड़ी के साथ, तो इसलिए कल काम नहीं कर सका मैं। कल इंश्योरेंस, पुलिस स्टेशन, इधर उधर दिन बीत गया, सो फिर काम को भी मन नहीं किया पूरा दिन उधर। मतलब कि जब एक बंदे का माइंड फ्रेश ना हो तो काम करने का मज़ा नहीं आता, तो इसलिए जो था फिर काम नहीं कर सका मैं। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है, तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं, बहुत से भाई पूछ रहे हैं कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है ये लेमोजीन का काम, वो कैसे स्टार्ट किया है, मतलब कि पूरी जर्नी बताएं अपनी। तो उसके लिए मैं एक अलग से आपको व्लॉग बना के अपलोड कर दूंगा, आप सब देख लीजिएगा। मेरी स्ट्रगल दुबई की जो होगी मैं सारी आप सबसे शेयर करूँगा, ठीक है। और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि शाहिद भाई जो है कि नेगेटिव पॉइंट जो हैं लेमोजीन के, वो लाजमी हमसे शेयर करें, तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा आप सबसे, ठीक है ना। तो उनका भी कोई इतना मसला नहीं है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि काम करना है तो कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, और कौन सा बंदा इस फील्ड में चल सकता है, ठीक है, और क्या इसका सिस्टम है, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप सबसे। तो मुझे दें इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। जी दोस्तों, हम रेस्टोरेंट पे आ गए हैं। मैं जिस अपने दोस्त का जिक्र कर रहा था कि वो आ रहे हैं, उनके साथ मिल के हमने नाश्ता करना है, वो ये मेरे दोस्त हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरे फ्रेंड हैं, इनके साथ मिल के अब हम नाश्ता करेंगे, ठीक है। ये इनकी गाड़ी है, गाड़ी में इनकी आपको चेक करवाता हूँ, माशाल्लाह इन्होंने ब्लैक्स रखी हुई है, इनकी भी गाड़ी सेम बल्क मॉडल है जैसे मेरी ब्लैक है, इनकी जो है वो सिल्वर कलर है, ठीक है। तो चलते हैं नाश्ते पे, मिलते हैं। वेलकम बैक जी, नाश्ता हमारा आ गया, ये देखें जी, ये नाश्ता हमारा, ठीक है। चने मंगवाए हैं, कुछ पराठे हैं, साथ में आमलेट है, ये हमारे भाई हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं नाश्ता, नाश्ते के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों काम कर दिया है बंद, 9 बजे आईडियाँ बंद कर दी हैं, क्योंकि आज गया तो मैं काम पे लेट ही हूँ, लेकिन ये है कि मतलब कि अब मैंने 9 बजे काम बंद किया तो सुबह की जो मेरी रूटीन है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो आज के काम की जो सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही है, ठीक है। आज तकरीबन काम मैंने कर लिया है, लगभग 610-620 रुपए का काम मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह टोटल। उबर एंड क्रीम पे 2 आईडियों पे ही काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 आईडियों पे जो काम हुआ है मेरा वो इतने का हो गया, 620-625 का काम हो गया। सुबह तकरीबन मैं 10:30 घर से निकला था, फिर दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मतलब के 11:35-40 पे मैंने जो है प्रॉपर आइडिया ऑन की थी, तो काम स्टार्ट किया था। समझ लो कि 12 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, तो 9 बजे मैंने काम बंद कर दिया, ठीक है। तो बाकी आज की यही सूरत हाल थी कि ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह आज, ठीक है। अब 2-3 दिन गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी जो है वो अल्फतीम शोरूम में जाएगी। अब वो नहीं पता कि एक दिन के लिए बुक करते हैं वो गाड़ी हमारी, या 2 या 3 जितने भी दिन उन्होंने लेने हैं, वो गाड़ी फिर स्टक होगी, काम नहीं कर पाएंगे, वो 2-3 दिन फिर जो है वो रेस्ट कर लेंगे। चलो, क्योंकि मैं 3-4 माह से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली,
तो मतलब महीने में 30 दिन आते हैं, 31 दिन, 28 दिन, जितना भी मैं जब से घर से आया हूँ, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू अपना काम कर रहा हूँ, अपनी एक प्रॉपर तरीके से जो है वो मैं अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देता हूँ और मैं अपनी वो ड्यूटी जो है वो निभा रहा हूँ और कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोटे छोटे मसले मसाइल ज़िंदगी के फिर आपको भी पता है कि वो आ जाते हैं और उनको संभालना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। तो आज की यही रूटीन थी जो मैंने आपको बताई है, आज का मेरा जो काम था वो मैंने आप सब भाइयों को बता दिया, ठीक है, ड्यूटी टाइम भी बता दिया, ठीक है। अगर कुछ भाइयों के कमेंट्स थे मुझे कि शाहिद भाई कि आप ये बताएं कि गाड़ी का जो फ्यूल है वो कितना लगता है, तो गाड़ी कितने घंटे काम करे तो कितने घंटे में क्या करती है, तो मैंने जो एवरेज निकाली हुई है वो ये निकाली हुई है। अब जो पेट्रोल के प्राइस है ना वो कम हो गए हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कि प्राइजेस यहाँ 3 स्टेप में होती है, 3 तरह का पेट्रोल मिलता है, आपकी मर्जी है जौन सा भी डालना है, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छे वाला ही डालता हूँ, सुपर ही डालता हूँ, मैं दूसरा नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो अगर गाड़ी फुल डे काम करती है, पुराना बंदा होगा तो फर्क पड़ेगा, नया बंदा होगा तो भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। नए बंदे ने गाड़ी चलाते रहना है, काम ढूंढते रहना है, उसको नहीं पता कौन से एरिए में काम लग रहा है कौन से में नहीं, उसको वो गाइड करने वाला बंदा चाहिए। और यहाँ कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी को गाइड करे। मैं भी इस फील्ड में जब आया था तो मैंने लोगों से पूछा, बातचीत की, तो हर कोई एक नई बीन सुना के रवाना कर देता है, ठीक है। कोई किसी को ये नहीं बताता है कि यार आप फलां होटल के पास जाओ या फलां टाइम फलां जगह पे काम करो या फलाना मतलब होटल ठीक है वहाँ कस्टमर अच्छा मिल जाता है या ये वो, कोई नहीं बताता, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बताए, ठीक है। तो उसका ये है कि मैं जो मेरी गाड़ी की एवरेज है वो ये है कि अगर मेरी गाड़ी 500 दिरहम का काम करती है तो वो 50 दिरहम से 55 दिरहम का फ्यूल जो है वो खा लेती है, ठीक है। ये एक अपने चलाने के ऊपर भी होता है, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी गाड़ियां 40-45 का पेट्रोल जो है वो खाती हैं। मैं मेरे हिसाब से चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है, मेरी गाड़ी 50-55 दिरहम का जो है ना वो पेट्रोल ले लेती है, अगर 500 दिरहम का काम मेरी गाड़ी करती है तो 500-600 के काम में वो इतने का तेल आराम से खा लेती है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों से माजरत जिनको मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी मेरी थोड़ी सी सिचुएशन को समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा पीछे 1-2 दिन पहले की बात ही है, तो अभी गाड़ी का मसला सा हुआ है तो मैं उस वजह से भी परेशान था। तो मतलब मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ये नहीं कि मैं नहीं दूंगा, सबके कमेंट्स के मैं पढ़ के वीडियो बना के मैं स्टेप बाय स्टेप सबको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। मैं कोई भाई को नाराज़ नहीं करूंगा, जिसको जो क्वेश्चन है वो पूछते रहे मैं ज़रूर बताता जाऊंगा, ठीक है। तो बाकी अब बहुत से मेरी गाड़ी लगी है, उसके बाद मुझे कमेंट्स में भी दोस्तों ने बोला, ठीक है, रिलेटिव ने भी बोला कि आप जो है ना अपनी अर्निंग नहीं शो किया करें, अर्निंग शो करने से नज़र लग जाती है, ठीक है, आप कम कमाएं या ज़्यादा बट नज़र लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए माजरत कि मैंने अर्निंग नहीं दिखाई, लेकिन मैंने काम इतने का ही किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने किया वो मैंने बता दिया। मैंने परसों 1200 प्लस का काम किया था तो सो मैंने वो भी बताया था, आज मेरा 602 है तो वो भी मैंने बताया, ठीक है। कल सुबह इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वही रूटीन 5 बजे नमाज के बाद जो है वो मैं अपनी आइडियाँ जो है वो ऑन करता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने आइडियाँ ऑन करनी होती हैं, काम पे मैंने अपनी रूटीन से जाना होता है। तो इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में छोटे भाई को याद रखिएगा। तो यहाँ तक आज का करते हैं दी एंड, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।